नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। मणिपुर से सीआरपीएफ के काफिले पर हमले का मामला सामने आ रहा है। मणिपुर के जीआरबीएम में अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने सीआरपीएफ और पुलिस कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया और एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं और उसको अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया जा रहा है। साथ ही मृतक जवान की उम्र 43 साल बताई जा रही है। मणिपुर के जीआरबीएम जिले में रविवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की टीम पर हमला किया। बंदूक हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया। मणिपुर पुलिस ने इस घटना की जानकारी मिली है। पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया, एक पुलिसकर्मी को भी चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान बिहार निवासी 43 साल के अजय कुमार झा के रूप में हुई है। पुलिसकर्मी ने आगे कहा कि उन्हें सिर पर गोली लगी थी, अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अन्य घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है, लेकिन वह अभी खतरे से बाहर है। इस घटना को लेकर एक अन्य अधिकारी ने बताया कि रविवार को हमले के बाद निकटवर्ती पहाड़ी इलाकों में मोंगबुंग में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। उन्होंने बताया था कि बंदूक हमले में सुरक्षा कर्मियों का एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था। पुलिसकर्मी ने बताया कि इससे पहले शनिवार रात को गांव में कथित तौर पर गोलियों की आवाज़ भी सुनी गई थी। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।